और दुनिया की हर रेस वही जीतता है जो सही मायने में खतरों का खिलाड़ी होता है। और साल 2016 में खतरों के सबसे बड़े खिलाड़ी बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन दिनों दुनिया में एक बड़ी रेस चल रही है। ये रेस है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की, यानी दुनिया का वो दंगल जहां इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मंगल ही मंगल है। तो अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम की ओर से हो रही टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जैसे धुरंधर पीएम मोदी के सामने धूल चाट रहे हैं। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंदुस्तान के सबसे बड़े आंदोलन की अगुवाई कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में सबसे आगे खड़े हैं। पीएम मोदी को 21% वोट मिले हैं, जबकि विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन अंसाजे 8% वोट हासिल कर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में दूसरे पायदान पर हैं। वहीं बराक ओबामा की बात करें तो 7% वोट उनको मिला है, जबकि व्लादिमीर पुतिन को और डोनाल्ड ट्रंप को 6% वोट मिला है और वो संयुक्त रूप से चौथे पायदान पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की रेस में नवंबर के पहले हफ्ते तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप से भी पीछे चल रहे थे, लेकिन भारत में नोट बैन के साहसिक फैसले के बाद टाइम का मूड बदलकर पीएम मोदी के पक्ष में हो गया। और यह लगातार चौथा साल है जब टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर के दावेदारों में मोदी को शुमार किया गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए वोटिंग 4 दिसंबर तक चलेगी और 7 दिसंबर को विजेता की घोषणा की जाएगी।